दोस्तों आपका एक बार से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NTR कोचिंग क्लासेस में। मैं राजमिश्रा, आज आपके लिए क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आप अपने नंबरों में वृद्धि कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से आपको पेपर हो जाएगा। चलिए देखते से लिखते कैसे हैं। मैं आपको पहले टॉपिक बता देता हूँ, चलिए देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले। चलिए देखते से लिखते दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये है यमक अलंकार जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल रखा। चलिए इसे देखते हैं, लिखते कैसे बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर लिखा हुआ है जब एक ही शब्द में दो या दो से अधिक बार आता है, यानी कि एक ही शब्द है वो दो या दो से अधिक बार आता है, ठीक है, और भिन्न भिन्न अर्थों से प्रयुक्त होता है और उसे बार बार जो भिन्न अलग अलग मतलब कि निकलते हैं उसके अर्थ जो है बार बार अलग अलग निकलते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ पर कहने को कोशिश कर रहे हैं जो दो या दो से अधिक मतलब कि शब्द आते हैं उनके बार बार अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं, शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग। ओके, यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा है कनक कनक सौगुनी मादकता अधिकार, इसमें कनक लग दो बार आ रहा है। ओके, इसका स्पष्टीकरण करते हैं, इसमें लिखा हुआ कनक शब्द का दो बार प्रयोग और भिन्नार्थ के कारण यह यमक अलंकार है, यानी कि कनक है ये दो बार प्रयुक्त हो रहा है लेकिन इसका जो अर्थ है वो अलग अलग भिन्नार्थ है, यानी कि कितना आसान और दो लेटर काम है। ये आपके पेपरों में जरूर पूछा जाता है। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हर वक्त